कि जो भी लोग पकड़े गए आए दिन कोई ना कोई पकड़ में आता है और जब पता लगता है कि ये भी फर्जी वो भी फर्जी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदार कौन है। तो साथियों ये एक बड़ा स्कैम है और आज आपको इसलिए बुलाया गया कि 13 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग है जब ये कमेटी ने रोज मीटिंग कर ली सारी चीजें सामने आ गई तो हम चाहते हैं कि अब इन मीटिंगों का दौर खत्म हो और 13 तारीख को इस भर्ती का रद्द करने का निर्णय लिया जाए। और हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आकर डॉक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार है आपके मंत्री है आप एक बार जब 13 तारीख की मीटिंग है उससे पहले सरकार से मिलके कमेटी में जो मंत्री है उनसे मिलके एक बार युवाओं का पक्ष और मजबूत करिए। 2021 से आपने इस लड़ाई को लड़ा है आपने इस आवाज को उठा के जो भी लोग पकड़े गए आए दिन कोई ना कोई पकड़ में आता है और जब पता लगता है कि ये भी फर्जी वो भी फर्जी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदार कौन है। तो साथियों ये एक बड़ा स्कैम है और आज आपको इसलिए बुलाया गया कि 13 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग है जब ये कमेटी ने रोज मीटिंग कर ली सारी चीजें सामने आ गई तो हम चाहते हैं कि अब इन मीटिंगों का दौर खत्म हो और 13 तारीख को इस भर्ती का रद्द करने का निर्णय लिया जाए। और हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आकर डॉक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार है आपके मंत्री है आप एक बार जब 13 तारीख की मीटिंग है उससे पहले सरकार से मिलके कमेटी में जो मंत्री है उनसे मिलके एक बार युवाओं का पक्ष और मजबूत करिए। 2021 से आपने इस लड़ाई को लड़ा है आपने इस आवाज को उठा के जो भी लोग पकड़े गए आए दिन कोई ना कोई पकड़ में आता है और जब पता लगता है कि ये भी फर्जी वो भी फर्जी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदार कौन है। तो साथियों ये एक बड़ा स्कैम है और आज आपको इसलिए बुलाया गया कि 13 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग है जब ये कमेटी ने रोज मीटिंग कर ली सारी चीजें सामने आ गई तो हम चाहते हैं कि अब इन मीटिंगों का दौर खत्म हो और 13 तारीख को इस भर्ती का रद्द करने का निर्णय लिया जाए। और हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आकर डॉक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार है आपके मंत्री है आप एक बार जब 13 तारीख की मीटिंग है उससे पहले सरकार से मिलके कमेटी में जो मंत्री है उनसे मिलके एक बार युवाओं का पक्ष और मजबूत करिए। 2021 से आपने इस लड़ाई को लड़ा है आपने इस आवाज को उठा